जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब उनका सिर सामान्य से कुछ ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन उस वक्त चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित न होने के कारण हमें अभी तक उसका कारण पता नहीं चल सका है। आइंस्टीन के हालात ऐसे थे कि उनकी गिनती असामान्य बच्चों में होती थी। आइंस्टीन हमेशा से ही एक शर्मीले बच्चे थे और उन्होंने 4 साल की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोला। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलने की शुरुआत की। यह एक जग जाहिर बात है कि स्कूल के दिनों में आइंस्टाइन की गिनती सबसे मूर्ख बच्चों में होती थी। खासतौर पर आइंस्टाइन के शिक्षक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे गणित और विज्ञान को छोड़कर सारे विषयों में फेल होते थे। शिक्षकों की डांट पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता कह दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन में गणित में काफी कमजोर थे और शिक्षकों ने उन्हें गणित पढ़ाने से इनकार कर दिया था। फिर भी उनके माताजी ने उन्हें गणित पढ़ाना शुरू किया और उनकी इतनी रुचि आ गई कि वो एक महान गणितज्ञ भी बने। आइंस्टीन के मौत के बाद चिकित्सक थॉमस हार्वे ने परिवार की बिना इजाजत उनकी खोपड़ी से उनके दिमाग को निकाल लिया था। अस्पताल के लाख निवेदनों के बाद भी उन्होंने आइंस्टीन का दिमाग नहीं लौटाया और 20 सालों तक अपने पास रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट की इजाजत से डॉक्टर थॉमस ने उस दिमाग का अध्ययन शुरू किया। आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े करके उन्हें कई वैज्ञानिकों में बांटा गया। चिकित्सक थॉमस को इस पागलपन के लिए अस्पताल से भगा दिया गया, लेकिन डॉक्टर थॉमस की मेहनत बेकार नहीं गई। उस दिमाग के अध्ययन में उन्होंने पाया कि आइंस्टीन के दिमाग की असाधारण सेल संरचना थी, इसलिए आइंस्टीन का दिमाग सबसे असाधारण था। दोस्तों, आइंस्टीन की आंखों को भी एक डिब्बे में सुरक्षित रखा गया है।